हाय स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि आप अगर आरवीएम कैट से कोर्स करते हैं तो सर्टिफिकेशन कौन सा मिलेगा। आपको स्किल इंडिया का सर्टिफिकेट मिलेगा। आरवीएम कैट एनएसडीसी का डायरेक्ट पार्टनर है। हमारे सारे कोर्सेज इंडस्ट्री 4.0 से अलाइंड है और आपको एक गवर्नमेंट का स्किल इंडिया सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसको आप स्कैन करेंगे तो गवर्नमेंट वेबसाइट पर आपका नाम भी आ जाएगा। ऐसा सर्टिफिकेट जो है उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, स्पेशली जब आप देश के बाहर जाते हैं तो आपके पास एक ऑफिशियल सर्टिफिकेशन रहेगा और स्किल का आपका एक टैग लग जाएगा कि आपने कोर्स कर रखा है। देखिए, ये जो सर्टिफिकेट है हमने वैसे प्रिंट कर दिया, आता ऐसा डिजिटल सर्टिफिकेट है। डिजिटल सर्टिफिकेट को देखिए, स्कैन करेंगे तो स्कैन करके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे नाम लिखा हुआ आ जाएगा, अरविंद राव आरवीएम कैड। ऑफिशियल है, इससे ऑफिशियल सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है कहीं पे भी। इसको भी स्कैन करेंगे तो देखिए यहाँ पे नाम आ गया, अरमान अली आरवीएम कैड, कब कोर्स किया था, सब कुछ प्रॉपर डिजिटल आपका आ जाएगा। आज मैं बात करने वाला हूँ कैट डिजाइन के कोर्स की, बिल्कुल टू द पॉइंट जल्दी से आपको बताऊंगा कि कैट डिजाइन का कोर्स इंडिया के सबसे बड़े स्किल डेवलपमेंट सेंटर में कैसे होता है, क्या क्या इसके अंदर सिलेबस होगा, कितना टाइम लगेगा, क्या फीस होगी, क्या प्लेसमेंट होगी, सारी चीजें हम क्विकली इसके अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे सिलेबस की। हमारे सिलेबस में जो डिजाइनर बंडल है मैकेनिकल का, उसके अंदर टाइम लगता है 2 से 3 महीने अप्रोक्सीमेट बात कर रहा हूं मैं। टाइम चाहे कम लगे चाहे ज्यादा लगे, फीस फिक्स्ड है, मैं ये भी बता दूं। कुछ बच्चे हैं जो 6 महीने लगा देते हैं, कुछ बच्चे हैं जो 1.5 महीने में करके प्लेस पे हो जाते हैं। फीस सेम है, कोई एक्स्ट्रा पैसे आपसे नहीं ले जाएंगे। ठीक है, मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूं। सबसे पहले आएगा ऑटोकैड। ऑटोकैड हम 20 साल से ज्यादा से करा रहे हैं, जिसके अंदर साथ में GD&T भी आएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऑटोकैड के अंदर इस तरीके से हम एडवांस इंडस्ट्रियल ड्राइंग्स बनाते हैं। ऑटोकैड के अंदर ही आपको इतनी सारी चीजें बता देंगे, जैसे लेयर्स हो गए, ब्लॉक्स हो गए, जो और कोई सेंटर नहीं बता पाएगा। आपको उस लेवल का एडवांस ऑटोकैड कराया जाएगा। टाइम लगता है अप्रोक्सीमेटली 1 महीना। बच्चे 1 महीने में भी कर लेते हैं, 1.5 महीना भी लग जाता है, इट डिपेंड्स ऑन योर स्पीड। कुछ कुछ ऐसे हैं जो 2 हफ्ते में भी कवर कर लेते हैं, बट ऑटोकैड आपको पूरा एडवांस लेवल का कराया जाएगा, जिसके अंदर बहुत सारी एडवांस कमांड्स और आपको ऑटोकैड की बुक भी दी जाएगी, वो भी आपको कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, उसके बाद GD&T क्लास जो मैं खुद लेता हूं पर्सनली और हमारे जो सीनियर टीचर्स हैं वो भी लेते हैं, वो भी कॉम्प्लीमेंट्री आपको कराई जाएगी। आप देख सकते हो कि यहाँ GD&T बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बिना आप इंटरव्यूज क्लियर नहीं कर सकते। सो GD&T इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी संडे सैटरडे को क्लासेस होती है, लोग इसके लिए भी पैसे लेते हैं, बट वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग। चाहे आप सिर्फ ऑटोकैड यहां से सीखो, GD&T फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कराया जाएगा। एंड GD&T बहुत इंपॉर्टेंट एक मॉड्यूल है हर डिजाइनर के लिए, GD&T कंपलसरी। आप हमारी जितनी मर्जी वीडियोस देख लो, 1000 वीडियोस डाल रखी है इंटरव्यूज की, सब में GD&T पूछा जाता है। अब बात करते हैं 3D सॉफ्टवेयर की। 3D सॉफ्टवेयर में 4 सॉफ्टवेयर हैं, सॉलिडवर्क्स, एनएक्स, क्रियो, कैटिया। अब सॉफ्टवेयर और भी हैं, इन्वेंटर भी है, फ्यूजन 360 भी है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, ZW CAD भी है, ZW 3D भी है। कौन सा सीखना है, देखो सिंपल सी कहानी है। अगर आप फ्रेशर हैं या आपको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है 2 से 3 साल तक का, आप आंख बंद करके सॉलिडवर्क सीखिए। वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 सॉफ्टवेयर है ईज ऑफ लर्निंग के लिए। पार्ट मॉडलिंग बहुत जबरदस्त तरीके से होती है और ये सारा उसमें सिलेबस जो है बेसिक और एडवांस्ड। अब लोग पूछेंगे सर एनएक्स का क्या सिलेबस है, कैटिया क्या सिलेबस है, सबका सेम सिलेबस है जो मैंने इसमें दिखा रखा है। बेसिक मॉड्यूल्स पहले आएंगे फिर एडवांस आएंगे। सॉफ्टवेयर आप कोई सा भी करो, मैंने स्लैश डाल के लिख रखा है सॉलिडवर्क्स, एनएक्स, क्रियो, कैटिया, व्हाटएवर सॉफ्टवेयर यू लर्न द सिलेबस इज द सेम। तो अगर कॉलेज की हम बात करें, स्कूल कॉलेज में बस इतना कराते हैं, किसी और ट्रेनिंग सेंटर में चले जाओ वो इतना करा देंगे आपको। आरवीएम कैड अकेला ट्रेनिंग सेंटर है जो बेसिक के साथ एडवांस मॉड्यूल भी कराता है, जिसमें मोल्ड, सर्फेसिंग, शीट मेटल सब कुछ कवर होगा। अब मैं जल्दी से बता देता हूं क्या क्या ये मॉड्यूल्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें बेसिक मॉडलिंग की, तो आपको रियल लाइफ पार्ट दिए जाएंगे, जैसे आप देख रहे हो, वो मेजर करके आपसे बनवाएंगे। मेरे हाथ में भी वर्नियर कैलिपर है, ये सारा कैसे यूज करते हैं, डिजिटल वर्नियर कैलिपर कैसे यूज करते हैं, माइक्रोमीटर मेरे सामने पड़े हैं, हाइट गेज पड़ा है, सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। ना कॉलेज में सिखाते हैं और ट्रेनिंग सेंटर में तो भूल जाओ, हम आपको सारी चीजें कराएंगे। और रियल लाइफ ऐसे पार्ट्स जो हैं, जैसे ये VMC का पूरा दरवाजा है, ये स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट दे देंगे हम कि भाई इसको बनाओ। हमारा कोर्स जब स्टार्ट होगा, पहले स्केचिंग आएगी, फिर पार्ट मॉडलिंग आएगी। पार्ट मॉडलिंग में देखो कोई भी रियल लाइफ पार्ट आपको बनाया जाएगा, प्लस आरवीएम कैड की बुक भी मिलेगी। ये हमारी खुद की लिखी हुई बुक है, पूरे इंडिया में ऐसी कोई बुक नहीं है, और इसके अंदर आपको सारी चीजें मिलेगी। इसके अंदर मैंने थ्योरी भी दबाई है, जो इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस हैं, ताकि आप इंटरव्यू क्लियर कर दो, वो भी आपको बुक मिलेगी। आप अगर आरवीएम कैड पे आएंगे आप ये बुक देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेबस की। सबसे पहले मैंने बताया आपको, यहां लिखा हुआ है पार्ट मॉडलिंग, तो पार्ट मॉडलिंग में बहुत सारी चीजें आपसे बनवा देंगे। उसके बाद आएगा असेंबली। असेंबली के अंदर क्या होता है, जो बहुत सारी चीजें आपने बना ली, जैसे इसमें आप देख सकते हो पिस्टन्स हैं, पूरा एक एक पार्ट बना के सबको असेंबल किया, चाइल्ड पार्ट बनाए, उसकी मूवमेंट तक डालना सिखा देंगे, जो और कोई सेंटर नहीं कराता। खुला चैलेंज है, आप पूछ सकते हैं, असेंबली मोशन नहीं कराएंगे आपको, ये सारी चीजें आपके पास आएगी। फिर उसके बाद ड्राफ्टिंग कराएंगे। ड्राफ्टिंग क्या होता है, 3D से 2D
ऑटोमेटिकली जो ड्राइंग्स बनती है उसको ड्राफ्टिंग कहते हैं। देखो यहाँ मैंने ब्रोशर में दिखा रखा है ड्राफ्टिंग 3D से 2D, जो मेरा ये पिस्टन बन गया, अब इसकी मेरे को ड्राइंग देनी अपनी टीम को, इसका फ्रंट व्यू, इसका साइड व्यू। अभी मैं सिलेबस की बात कर रहा हूँ हमारे 3D सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। और ये जो जैसे पिस्टन है इसकी पूरी ऑटोमेटिकली हमारी ड्रॉइंग्स बन जाएगी। फिर बात करते हैं एडवांस मॉड्यूल के, एडवांस मॉड्यूल में आएगा मोल्ड, शीट मेटल, वेल्डमेंट। अब मोल्ड दिखाते हैं क्या होता है, जैसे ये प्लास्टिक का एक पार्ट है, ठीक है, ये सारे आरबीएम कैड के हमारे चैनल पे हमने ये सारी चीजें डाल रखी है। प्लास्टिक के पार्ट का हम इसमें इसकी कोर कैविटी एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो देखिए जैसे ये पार्ट है इसका कोर एक्सट्रैक्ट करा, इसकी कैविटी एक्सट्रैक्ट करी। तो लोग आते हैं सर हमें प्लास्टिक में काम करना है, टूल एंड डाई में काम करना है, भाई हम एक ही सॉफ्टवेयर में तुम्हें सब कुछ करा देंगे, तुम टूल एंड डाई का भी काम इसमें कर पाओगे, इंजेक्शन मोल्डिंग हो गया, प्लास्टिक हो गया, एनीथिंग यू कैन डू इन दिस सॉफ्टवेयर। तो देख सकते हो हमने एक सेकंड में इसका मोल्ड बना दिया, ये सब आपको सिखाया जाएगा। फिर उसके बाद आपका आएगा शीट मेटल। अब शीट मेटल में क्या होता है, ब्लैंक खोला जाता है, तो जैसे ये एक पार्ट है, इस पार्ट का हम ब्लैंक खोलेंगे, तो इसके अंदर अब क्या होता है, ऑटोमोबाइल के अंदर बहुत ज्यादा काम आता है, जो भी आपका प्रोडक्ट्स हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इसमें आउटर शेप हो रही है, हर जगह शीट मेटल काम आता है। देखो इसका ब्लैंक खोलेंगे, खुल गया ब्लैंक, ब्लैंक की ड्राइंग बनाएंगे, उसको प्लाज्मा मशीन में काटेंगे। तो ये सब चीजें जो है मैंने अभी दिखाया, मोल्ड, फिर शीट मेटल, उसके बाद एडवांस सर्फिसिंग, वेल्डमेंट। वेल्डमेंट पूरे इंडिया में कोई नहीं करा रहा, सिर्फ हम कराते हैं। देखिए ये वेल्डमेंट मॉड्यूल है, मॉड्यूल में हमें कुछ भी जहां वेल्डिंग जॉइंट्स दिखाने हैं वो चीज हम दिखा सकते हैं, सॉलिडवर्क्स में आपको पूरा वेल्डमेंट मॉड्यूल भी कराएंगे। तो मैं बात करूं अगर सिलेबस की, तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि भाई ऑटोकैड आएगा, ऑटोकैड के साथ GDNT आएगा, फिर सॉलिडवर्क्स, एनएक्स, क्रियो, कैटिया, कुछ भी करो सिलेबस का पैटर्न अपना सेम बैठेगा। पहले आएगा बेसिक, फिर आएगा एडवांस्ड। एडवांस बहुत ज्यादा जरूरी है, मैंने आपको वो भी बता दिया। अब बात करें इसके आगे, एक और चीज आ जाती है CNC और VMC मशीन्स। जैसे ये दो मशीनें हैं जो इंजीनियर्स के लिए आ जाती है, CNC और VMC। अगर आप 12वीं पास, ITI डिप्लोमा हो तो आप CNC करिए, अगर डिप्लोमा और इंजीनियर हो तो VMC करिए। तीन चीजें क्यों करनी है, आप कह रहे हो भाई डिजाइन की वीडियो है, VMC भी बता रहे हो, क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जो भी आप डिजाइन करोगे उसको मशीन में तो बनाना ही है आपको। तो VMC में पूरे इंडिया में सिर्फ हम हैं जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग 4 एक्सेस तक, उसके साथ आपका पूरा हम मशीन पे प्रैक्टिकल भी कराएंगे। हमारी खुद की मशीन की बहुत जबरदस्त लैब है, वो भी आपको दिखाएंगे। पर पहले मैं कॉन्सेप्ट एक बार बताता हूं, मेरी एक पुरानी वीडियो, इसमें देखो मेरे पास एक अलॉय व्हील है, ये अलॉय व्हील कैसे बना, मशीन में कटा, मशीन को कैसे पता क्या काटना है, पहले उसका बनेगा डिजाइन, ये डिजाइन बन गया, ये सॉलिडवर्क्स में आप भी बना लोगे, आप डिजाइन सीख लोगे तो आप इसको बना लोगे, बट मशीन में कैसे कटेगा, इसको हम इंपोर्ट करेंगे डेलकैम पावर मिल, ये जो सॉफ्टवेयर है ये प्रोग्रामिंग करता है, डेलकैम में इसको इंपोर्ट करेंगे, इसका प्रोग्राम बनाएंगे। ये काम सिर्फ एक इंजीनियर या एक डिप्लोमा होल्डर ही कर सकता है, और ये प्रोग्राम बनने के बाद इसका फाइनल सिमुलेशन होगा, सिमुलेशन हो गया, अब इसको मशीन में हम काटेंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें पहले डिजाइन आती है, फिर इसमें प्रोग्रामिंग आती है। अगर आप एक कंप्लीट ऑलराउंडर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स और उसके साथ ऑटोकैड या कोई भी 3D डिजाइन और उसके साथ आप मशीन एक जरूर सीखिए, बहुत ज्यादा आपको इसमें बेनिफिट होगा। अब रही बात इंटरव्यू की, आरवीएम कैड पे 100% इंटरव्यू की गारंटी है, मैं पब्लिक डोमेन में आके बोल रहा हूं, अगर हमने आपके इंटरव्यू 10 नहीं कराए तो आप पूरे पैसे वापस ले जाना, ठीक है, लिख के देंगे, साइन करके जो भी आएगा, 10 इंटरव्यूज की गारंटी है, कराने को 20 भी करा देंगे हम। जितने भी कंपनीज हैं 90% आरवीएम कैड के पे आती है, सारे कैंपस इंटरव्यूज हमने रिकॉर्ड करके भी डाल रखे हैं, एंड मल्टीपल राउंड्स होंगे आपके इंटरव्यू के, और बच्चों को कंपनीज पे भेजा भी जाता है, बहुत सारी कंपनीज है, मानेसर, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, दिल्ली। हाँ एक चीज मैं बता दूं कि आप मेरे को नहीं बताएंगे कि मुझे कहां कंपनी में जाना है, मैं आपको बताऊंगा। तो कुछ बच्चे होते हैं कमेंट डालते हैं, बोलते हैं जॉब नहीं लगी, फिर पूछते हैं तो कहते हैं सर लग गई थी बट फरीदाबाद में लगी थी, हमें नोएडा में चाहिए। मैं टूर ऑपरेटर नहीं हूं, मैं नहीं बता सकता कहां पे कंपनी आएगी, मैं जहां बोलूंगा वहां आपको जाना पड़ेगा। तो लोकेशन की मैं कोई आपको गारंटी नहीं दे सकता, इंटरव्यू गारंटी दे सकता हूं दिल्ली NCR में आपकी लगेगी। अब कुछ बच्चे होते हैं कहते हैं हम पुणे से आए हैं, हमारी पुणे में ही लगवाओ, आई कैन नॉट डू दैट, आई एम सॉरी, मैं ट्राई करूंगा, ट्राई तो मैं आपको US की जॉब के लिए भी करूंगा, बट कोई गारंटी मेरी तरफ से नहीं है, तो मैं पहले ही क्लियर करके चल रहा हूं। दूसरा, आप कोई भी इसके अंदर इंटरव्यू जो है वो स्किप नहीं करेंगे, आप कोई भी क्लासेस स्किप नहीं करेंगे, आप सारी चीजों को प्रॉपरली प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस में कमी है, GDNT आपने नहीं करा, थ्योरी नहीं आती, आप फॉर्मल्स पहन के नहीं आ रहे हो, आप इंटरव्यूज मिस कर रहे हो, उसके बाद आप मुझे ब्लेम करते कि मैंने जॉब नहीं लगाई, तो उसको एक्सेप्ट हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, 100% जॉब इसलिए लगती है अगर आप 100% अपना एफर्ट डालते हैं। मैं इंटरव्यू की गारंटी लेता हूं रिटन में, जिसको साइन करके चाहिए दे कैन डू इट। अब रही बात कितना टाइम लगेगा इस कोर्स को करने में, अगर मैं बात करूं ऑटोकैड प्लस एक 3D सॉफ्टवेयर है, उसमें लगेंगे 2 से 3 महीने, अगर 2 घंटे रोज आते हो, ज्यादा हो गए तो जल्दी हो जाएगा, और मशीन्स में 1-1.5 महीना लगेगा आपका, ठीक है। अब ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स और VMC तीनों चीजें आपको सीखनी है, तो उसमें 3 से 4 महीने लग सकते हैं अगर 2 घंटे रोज आते हो, ठीक है।
और कैसे भी डाउट है आपको, फीस की रही बात, फीस के अंदर मैं आपको पहले ही बता दूं कि फीस हमारी चेंज होती रहती है, कभी डिस्काउंट आते रहते हैं, कभी नहीं आते, हर साल फीस थोड़ी सी बढ़ भी जाती है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, तो इस वीडियो में मैं फीस नहीं बता सकता। हाँ, आप हमारे नंबर 7722047855 या 5x931777 पे कॉल करिए, उस टाइम जो भी डिस्काउंट चल रहा है बेस्ट वो हमारी टीम से पूछिए एंड देन एडमिशन लीजिए, ठीक है। इसके अंदर आपको बुक, सॉफ्टवेयर, सब कुछ, आपको स्टूडेंट वर्जन सॉफ्टवेयर, बुक्स, एवरीथिंग यू विल गेट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और कोई भी डाउट है हमें कॉल करिए, मैसेज करो, वी विल रिप्लाई टू यू। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।